अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर ने पहली बार दो गर्भाशय ट्रांसप्लांट के सफल ऑपरेशन किए। 22 और 28 साल की महिलाओं की मां बनने की राह में उनके गर्भाशय बाधा बने हुए थे। दोनों को उनकी माताओं ने अपने गर्भाशय डोनेट किए। अब ये दोनों मां बन सकती हैं। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स की टीम ने चमत्कार कर दिखाया है। यहां एक ही दिन में दो महिलाओं के गर्भाशय को ट्रांसप्लांट किया गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ है जब किसी सरकारी अस्पताल में यूटेरस ट्रांसप्लांट किया गया। इन दोनों महिलाओं का गर्भाशय का ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया गया है। चैलेंजेस इसमें ये है कि एनेटॉमी यूट्रस का और किडनी से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, तो एनेटॉमिकल चैलेंजेस था। और बाकी के एक दिन में दो ट्रांसप्लांट किया है, पहली बार दो ट्रांसप्लांट एक दिन में किया, तो वो चैलेंजेस थे। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों महिलाओं को उन्हीं की मदर्स ने अपना यूटेरस डोनेट किया है, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम है। 28 साल की हिंदू महिला को जन्म से ही गर्भाशय की समस्या थी, जिस वजह से वो मां नहीं बन पाई थी, तो 22 साल की मुस्लिम महिला जन्म से ही MRKH टाइप 1, यानी उनको जन्म से ही गर्भाशय नहीं था। मैं ये 3 साल से परेशान था, मैं काम करवा रहा था और मैंने ये काम पहली बार ये सुना कि गुजरात में अहमदाबाद में ऐसा काम मिल रहा है बराबर, तो मैं स्मिथ साहब का कॉन्टेक्ट कर मैंने एक यहाँ आ गया। मैं तो पहली बार तो मैं पुणे गया था, वहाँ से मेरे को बताया कि अहमदाबाद में हॉस्पिटल में ऐसा हुआ है कि 15 दिन के अंदर उसको अप्रूवल मिल गया है, परमिशन मिल गया है, तो आप वहाँ करवा लीजिए, वहाँ अच्छी तरह से आपका ऑपरेशन हो जाएगा। जिसका ऑपरेशन हुआ वो मेरी लड़की है, उनका नाम है तबस्सुम बानू, और वो लास्ट 8 ईयर से मतलब इस समस्या से उलझ रही थी। उसको गर्भाशय नहीं था, कुदरती नहीं था। हमको ये जब जानकारी मिली तो हमने फिर यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट का संपर्क किया किडनी इंस्टीट्यूट में। फिर 2014 से लगातार हम इनके संपर्क में हैं, और फिर 2022 में 25 सितंबर को हमारा लड़के का ऑपरेशन किया गया। एक साथ एक ही ऑपरेशन थिएटर में दो महिलाओं का गर्भाशय ट्रांसप्लांट हुआ, दोनों महिलाएं अब माँ बन पाएंगी। एक साथ इस तरह के दो ऑपरेशन देश ही नहीं बल्कि दुनिया में पहली बार हुए हैं। वो एक्चुअली डॉक्टर शैलेश पोतांबे करके यहाँ गया था, उसके बाद में वो कहा कि भाई परमिशन गुजरात में मिल गई है और अपने को PMJY की परमिशन मिली, तो संपूर्ण तरह से दोनों पेशेंट का फ्री हुआ। और एक मुस्लिम और एक हिंदू पेशेंट है, ये तो ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद किसी ने कहा तो पता चला कि ये एक हिंदू पेशेंट किया और एक मुस्लिम पेशेंट किया, तब तक तो हम लोगों को भी ये आभास नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 15% महिलाएं इनफर्टिलिटी की समस्या की वजह से मां नहीं बन पाती हैं, मतलब हर 5,000 में से एक महिला के शरीर में गर्भाशय की समस्या होती है। इन महिलाओं के लिए अब ये सर्जरी उम्मीद बनेगी, अब वो सरकारी अस्पतालों के कम खर्च में यूटेरस ट्रांसप्लांट करवा सकेंगी। अहमदाबाद से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।